हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल लर्नर। कल ठारो आम चैनल रे पठाणी सामंतर सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जो थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ तार शॉर्ट ट्रिक विषय कह आज तार सेकंड पार्ट। जी से वीडियो देखेनी बा स्क्रीन ऊपर जो वीडियो देखा जाउची, जे से वीडियो देखिनी तबे आई बटन रे क्लिक करी से वीडियो को देखि नियंतु। आई बटन रे क्लिक करी से वीडियो देखि नियंतु, नहले आमे कोन करिवो ना ताको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबो। आज वीडियो भी इम्पोर्टेंट होगा जाऊँ, तेणु वीडियो को पूरा देखु। यदि भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। जदि भी कौन से डाउट रही जा तेज आमको कमेंट कर निश्चय जहां, जहाँफल कि आम मोटिवेट हो पार, तुम डाउट सल्व करेंगे मोटिवेट हो पार। ओके तो डेरी करवानी, लेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जी फास्ट क्वेश्चन आड़ को। फास्ट क्वेश्चन कहला जो गोटे समीकरण दे, समीकरण गोटे मान समीकरण एक्स अच्छे अज्ञात राशि आउ ए गोटे अज्ञात राशि, एक्स रान दे से पचार ए रान, तो समीकरण अच्छी कौन गोटे समीकरण अच्छी ये जो समीकरण क्वेश्चन हो जाए, तो ये जो समीकरण रे समीकरण रे एक्स रान दे मान एक्स रान से दे एक्स इज इक्वल टू फाइव, तेल से पचार ए के पचार कौन ए के, तो ये आम करवा कौन जो आम एक्स रान पाइले के पाँच, एक्स रान जो पाई पाँच या जो समीकरण पुट करदे, या समीकरण पुट करदे आम यार मान जो ए रान पाइज, तो तार पुट करिया पुट करिया पई स्क्रीन फुल होगा तेना मुआ गोटे इरेज कर दो जी। ओके सो तामे करिया कोन ये जो अच्छी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, तो मु कोन कहबी करबी जगह लिख देबी एक्स स्क्वायर एतरे लिखा दरकार ना, आम कौन करवा एक्स हंड्रेड पुट करदे एक्स के पाँच, पाँच स्क्वायर पचीस, पाँच स्क्वायर पचीस, पचीस प्लस ए इंटु एक्स ए इंटु फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस माइनस पंदर, माइनस पंदर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन कौन कहला पाँच अच्छी पाँच स्क्वायर इज इक्वल टू पचिश, पाँच स्क्वायर इज इक्वल टू पचिश इंटु ए एक्स मान फाइव ए माइनस पंदर इज इक्वल टू जीरो, ये जो पचिश माइनस पंदर के मानने सदृश पद गुड़ा एकाठे करदे, तो पचिश माइनस पंदर के दस प्लस फाइव ए इज इक्वल टू जीरो, ए रान के माइनस दस बै पाँच इज इक्वल टू माइनस टू, तो आंसर कौन हम माइनस टू। एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहे जे एक वर्गचित्र अच्छी, गोटे वर्गचित्र अच्छी, ए वर्गचित्र गोटे कर्णर दैर्घ्य छ सेंटीमीटर है, वर्गचित्र परिसीमा के। ओके आम वर्गचित्रटा को गोटे वर्गचित्र आड करदे वर्गचित्र, ओके ये धरना गोटे वर्गचित्र अच्छी, ये वर्गचित्र कहला पर कर्णर दैर्घ्य, कर्णर दैर्घ्य जो कर्ण अच्छी ये कर्णर दैर्घ्य के, ये जो कर्ण अच्छी कर्णर दैर्घ्य के ना, कर्णर दैर्घ्य हूँ छ सेंटीमीटर, छ सेंटीमीटर, तो ताले वर्गचित्र परिसीमा के, वर्गचित्र परिसीमा जाना कहला आम कौन करवा वर्गचित्र परिसीमा जाना कहला कौन दरकार, वर्गचित्र परिसीमा सूत्र प्रथम कौन फोर ए, ए हूँ जो जगह बाहू, तो जो ए जो जगह बाहू तो आम कौन करें प्रथम आमको बाहू बाहर करके पड़ो, आम आउ कौन जानते कर्ण हिसाब से बाहू सूत्र कौन बाहू इज इक्वल टू, बाहू इज इक्वल टू कर्ण बाय रूट टू, ये गोटे सूत्र था आम क्लास सूत्र था बाहू इज क्वास टू कर्ण बाय रूट टू, इंपोर्टेंट सूत्र मन रख, तो बाहू इज क्वास टू कर्ण बाय रूट टू, कर्ण इज जगार छ बाय रूट टू, आमको बाहू दरकार
जोड़ा कि ए ताले या को सॉल्व करिया ओके तो या को सॉल्व करिया मुटी इरेज कर दे स्क्रीन ना को ओके तो ये जो 6/√2 इज इक्वल टू 6/√2 को जदी मु सॉल्व करबी कोन करबी 6/√2 मु कोन करबी तळे गोटे रूट 2 गुणी देबी हररे गोटे रूट 2 गुणी देबी लबरे भी गोटे रूट 2 गुणी देबी जा पर कोन ला ए रूट 2 कर देला पुणि से सेम आंसर बाहर जीवो जो रूट 2 ए रूट 2 को जदी मु काटी देबी ताले पुणि सेम 6/√2 रह जीवो ताले मु ऊपर तळे माने लबा हररे मु रूट 2 गुणी देली ताले हला कोन ए रूट 2 को ये जो दुईटा रूट टू ये दुईटा रूट टू गुणी हेला कौन हम 6√2/2 ये 2 आउ 6 कटि जिवे रहिबो केते 3 ताले आमे बाहु बाहु को पाई गेले केते 3√2 ताले ए इज इक्वल्स टू 3√2 ओके आमे ए पाई गेले केते 3√2 ओके ताले आमे कौन पाई जंती ती सुधा हमें थी कि कंक्लूजर रे पहुंच जंती जे ए इज इक्वल्स टू 3√2 ओके ताहले कोन कहि जी वर्गचित्र परिसीमा सूत्र कोन 4 ए ताले ए केते 6 सॉरी 3√2 3√2 रे 3√2 रे 4 गुणी जीवो ताले 4 3 की 12√2 जेब सेंटीमीटर दे जी जगह सेंटीमीटर लिख दियो आंसर कौन 12√2 सेंटीमीटर ओके एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कहो जी ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कहला जे गोटे समबाहु त्रिभुज रा परिसीमा दे जी कहते परिसीमा दे जी ये 20√3 सेंटीमीटर ताहले शीर्ष बिंदु विपरीत बाहु रा मध्य बिंदु पर्यंत दूरता केते सेमी परिसीमा देजी 20√3 सेंटीमीटर कार गोटे समबाहु त्रिभुज ओके आमे धन गोटे समबाहु त्रिभुज नै जीवा गोटे समबाहु त्रिभुज मु नै गले सपोज समबाहु त्रिभुज रो कोण पचारी जे कोण दे दे समबाहु त्रिभुज रो परिसीमा दे तो समबाहु त्रिभुज रो परिसीमा रो सूत्र कोण जेतु समबाहु त्रिभुज रो चारटा जाक बाहु समान तेणु समबाहु त्रिभुज परिसीमा कौन हो जीवो तो समबाहु त्रिभुज परिसीमा हबो 3a तो 3a इज इक्वल टू 20√3 दे जी 20√3 ओके तो ताले ए केते हमकु बाहु दरकार बाहु पाइले हम कोन कर परबा ना विपरीत बाहु रो मध्यबिंदु पर्यंत दूरता ताको छाड़ी दे प्रथमे हमको दे जी कोन परिसीमा दे जी परिसीमा सूत्र 3a 3a इज इक्वल टू 20√3 हम एतिक जानि देले तो अब हम कौन बाहर करिया ए रो मान बाहर करिया ए रो मान कौन 20√3/3 तो √3 आउ 3 कटि गला रहला केते √3 तो हमें ए रो मान पाई गले 20/√3 ओके हमें ए रो मान केते पाइले 20/√3 तो आमे एबे कोन करिवा ना ताहले आमे जदि ए र मान 20/√3 हला ताहले जो शीर्ष बिंदु रु विपरीत बाहु रो मध्य बिंदु पर्यंत अंकित दूरता केते सेमी धन्यवाद गुटे शीर्ष बिंदु नै जीवा ए हो जोटे शीर्ष बिंदु इटा ए शीर्ष बिंदु रु आमे तार विपरीत बाहु ए शीर्ष बिंदु विपरीत बाहु के ए बाहुडा शीर्ष बिंदु रो विपरीत बाहु प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य रे तमे गुटे लंब अंकन करिवा ए जगह रे से लंबर दैर्घ्य केते सपोज मे टोटल लंब अंकन कलि यार मध्य बिंदु प्रति सपोज अधिक होय वाला हम कट कर दा प्रथमे ओके तो प्रथम कथा कोन अछि ना गोटे समबाहु त्रिभुज अछि समबाहु त्रिभुजर तीनटा एक बाहु समान तापर कौन कौन अच्छे तीनटा एक बाहु समान तार कौन अच्छे
ନା ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। ତ ଲମ୍ବ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ସେପ୍ ନେଇକି, ତ ଗୋଟେ ସରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କେତେ ସେମି, ଦୂରତା କେତେ ସେମି ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଲମ୍ବ ପଚାରିଛି। ତ ୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ନା ଲମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିବ, ସୂତ୍ର ହେଉଛି √3/2 ଇନ୍ଟୁ ବାହୁ, ବା √3/2 ଇନ୍ଟୁ ଏ, √3/2 ଇନ୍ଟୁ ଏ। ଓକେ, ଆମେ ଏବେ ସୂତ୍ର ପକେଇବା √3/2 ଇନ୍ଟୁ ଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 20/√3। ଆମେ ପୁଣି ଯୋଉ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଲମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ, √3/2 ଇନ୍ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବା √3/2, ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇବା କେତେ, 20/√3। √3/√3 କ୍ୟାନସେଲ, ରହିଲା କେତେ, 2 2 ମାନେ 2 କୁ 20 କାଟିଲେ କେତେ, 10। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ, 10। ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯୋଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯୋଉ ଥିଲା ସରି ଯୋଉ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି 3600 ହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଓକେ, ତା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3600 ହୁଏ। ଏ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଯେତେ ବି ବାହୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି, ଏହାର ଯୋଉ ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଛି ନା 3600 ସହିତ ସମାନ ହେଇଛି। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ତ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପୋଜ୍ କରିନି, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଅଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ ସରି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ଅଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ଅଛି, ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁର ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାରର ଯୋଗଫଳ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି କେତେ, 3600। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମର କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁକୁ ଆମେ ନେବା, ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁ। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତିନିଟା ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା ବାହୁକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଲେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ସ୍କୋୟାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ 3600ର ଅଧା, 3600ର ଅଧା ଯେ କେତେ, 1800। ଓକେ, ତ
तो जदि 1800 होला ताहेले आमे कहि परिया कोन ताहेले आमे कोन कहि परिया जे आयत भीतर कर्णर दीर्घ केते एबे आमे केमथि जानिमा ए जगार देखो से कहला वर्गर समष्टि ए जगार कर्णर दीर्घ ए जगार कोन अछि ए जगार जो कर्ण अछि कर्णर दीर्घ अन्य दुई बाहुर वर्गर योगफल संगे कर्णर दीर्घर वर्ग अन्य दुई बाहुर वर्गर योगफल संगे समान कर्णर वर्ग 1800 सहित समान ताहले कर्ण केते हेबो आमे जानले जे कर्णर वर्ग 1800 संगे समान ताहले कर्ण केते हेबो 1800 र रूट ओवर कर्ण केते हेबो 1800 र रूट ओवर ताक मटी इरेज कर दउ छी ओके यदि कर्ण हेबो 1800 र रूट ओवर ताले 1800 र रूट ओवर केते ओके सॉरी ताले 1800 र रूट ओवर केते आम केम जानिया बाहर करिबा 1800 र रूट ओवर त माने बाहर करियो म कह दउ छी 30 र रूट ओवर आंसर हबो 30 र रूट ओवर सॉरी 30 रूट 2 सेंटीमीटर बोल गय जाली 30 रूट 2 सेंटीमीटर ओके तबे आमी जान नेक्स्ट क्वेश्चन आलो को ओके क्वेश्चन कहला जे एको समकोणी एको ओके सॉरी एक समकोणी त्रिभुजर बाहुमानकर दैर्घ्य 50% वृद्धि करागले क्षेत्रफल केते शतकड़ा बढ़िबो बढ़िया क्वेश्चन जे गोटे समकोणी त्रिभुज अछि गोटे समकोणी त्रिभुज अछि ए समकोणी त्रिभुज रे कोन कहि जे ना समकोणी त्रिभुज रे जते भी बाहु अछि सबुतिक बाहु को कौन कहिजे ना ताको आमे 50% लेखा वृद्धि करिबा केते वृद्धि करिबा 50% वृद्धि करिबा जदि आमे 50% वृद्धि करिबा ताले कोन पचारी जे क्वेश्चन हमकू क्षेत्रफल केते शतकड़ा बढ़िबो कोन पचारी जे क्षेत्रफल केते शतकड़ा बढ़िबो इजी क्वेश्चन जे सूत्र जानि ता पई जे सूत्र कौन सूत्र हो जे जे x प्लस y प्लस x इंटू y बाय 100 सूत्र कौन x प्लस y प्लस x इंटू y बाय 100 ओके तो सूत्र टाक बुझा टिके सूत्र रे x कौन y कौन टाक जानिया दरकार प्रथम कथा माने हम सूत्र केमदि पुट करिया तो सूत्र रे के कोडा में जानिया दरकार प्रथम होला तो सूत्र रे के कोन सूत्र रे कहला सब सब बाहु रे त्रिभुज समकोणी त्रिभुज रे बाहु मानकर दैर्घ्य को 50% वृद्धि कराला बाहु के अछंती बाहु दुईटा अछंती ये गुटे बाहु ये तो कर्ण कर्ण को छाड़ी दी जो दुईटा बाहु रहिले कर्ण व्यतीत जो दुईटा बाहु रहिले सेई दुईटा बाहु रो गोटे बाहु x आ गोटे बाहु रे जत्ते परिवर्तन करला सॉरी गोटे बाहु रे जति की परसेंट परिवर्तन करा गला जति परसेंट वृद्धि करा गला जति परसेंट ह्रास करा गला ताकुनी गला एक्स अन्य बाहु रे जति की परसेंट वृद्धि बा ह्रास बा जति की परिवर्तन करा गला जति प्रतिशत ताकुनी गला वाई ताले सूत्र कोन बाहरला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इनटू वाई बाय 100 ताले हम सूत्र पुट करिबा सूत्र पुट करिबा ओके तो सूत्र पुट करिया सूत्र पुट करिया कहले म प्रथम आउथर डायग्राम ला भलो से टाइम दो जी छोट करिन ये अछि उडे समकोण त्रिभुज धन्या ये हो जी एक्स ये हो जी वाई तो जेहेतु दुईटा जाकरे 50% ए दुईटा जाकरे 50% ही परिवर्तन कराइ जा वृद्धि कराइ जी ताले x मध्य 50 y मध्य दीटा कहउंती 50 ताले x जगह रे पके भी केते 50 प्लस y जगह रे भी 50
प्लस एक्स इंटू वाई, पचास इंटू पचास बाय शहे। तो ये जगह ये शून कटिगला, दीटा को शून कटिगला, रहा के पचास प्लस पचास प्लस पचास रहा शहे, पाँच पाँच पंचा पचीस प्लस पचीस इज इक्वाल्स टू शहे पचीस। तेल आंसर केते शहे पचीस प्रतिशत, केते शहे पचीस प्रतिशत। ओके आशा करूँगी मैंने मुझे आज पढ़ेली सब बुझीगला। जदि कौनसी किसी भी डाउट रही जाए तेज मतलब कमेंट बक्स निश्चय जनइबे। तो रोची धन्यवाद। हाँ आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे आउ पाखर आसता घंटी बटन को दबाई ऑल रे क्लिक करेंगे जहाँफल आम जिते बड़े भी वीडियो छाड़ी तार नोटिफिकेशन आपन को पाखक पहुँची दिव। ओके जदि पठानी सामंतर आउ कौन विषय भी डाउट रहा आमको निश्चय कमेंट कर जनातु, आम निश्चय आपणकर कमेंट को पढ़ी उपकृत हो आपण डाउट निश्चय सल्व करके। धन्यवाद।